अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। दासी पुत्र नारद जी कैसे बने इसकी भी एक कथा आती महाराज। एक समय की बात है, एक दिन भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, बेटा तू भी सृष्टि कर। नारद जी मना करते हैं, नहीं बाबा हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम विवाह करें, बाल बच्चे हो, ऐसा झंझट ग्रस्त के हम पढ़ने वाले, हम तो नारायण का भजन करने वाले। अब मेरे पिता ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में आकर के श्राप दिया, जा गंधर्व हो जा। मैं उपहर्षण नाम का गंधर्व बना, चित्ररथ गंधर्व की 50 पत्नियों का पति बना, 50-50 कामनियों का मैं अकेला पति बना। ब्रह्मा जी का श्राप था। समय व्यतीत हुआ, एक समय की बात है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का सुंदर दरबार लगा है, रंभा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही है। नृत्य करके हृदय में काम प्रकट हो गया, अब तो ब्रह्मा जी को और क्रोध आ गया। कहते हैं नारद जी कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने फिर श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू दासी का पुत्र हो जा। और फिर पुनः ब्रह्मा के श्राप से मैं दुर्मिल गोप की पत्नी कलावती के घर में दासी पुत्र बनकर के मेरा जन्म हुआ। व्यास जी मेरी माता दासी थी, फुटकर के काम करती थी, किसी के झाड़ू लगाना, किसी के बर्तन मांजना। एक दिन की बात है, चतुर्मास था, संत आकर के किसी सेठ के घर में डेरा लगा गए। भैया सेठ के पास पैसा है लेकिन सेवा का समय तो नहीं है। तो मेरी माता को व्यास जी, आज मेरी माता को दासी के रूप में सेवा में नियुक्त कर दिया। उस समय मेरी उम्र केवल मात्र 5 वर्ष की थी। अब माता जी तो सेवा में लग गई संतों के। तुम्हारा जहाँ संत होते हैं वहाँ सत्संग भी होता है, क्योंकि सत्संग कहते हैं सत सजना नाम संग इति सत्संग। संत का संग हो जाए ना तो सत्संग हो जाता है। क्यों, हम लोग तो संसार की चर्चा करते हैं, बेटा कैसा है, तेरी पोती कैसी है, बिटिया का विवाह हो गया, फसल कैसी, तेरी भैंस बीमार है, हम सब संसार की चर्चा करते हैं महाराज। लेकिन संत का जब भी दर्शन होता है, संत जब भी मिलन होता है, संत तो केवल परमात्मा का चिंतन करता है, संत तो केवल परमात्मा का ही चरित्र गान करता है, परमात्मा की व्याख्या करता है। इसलिए कहते हैं कि सत सजना नाम संग इति सत्संग। सत्संग कहते हैं संत सजन पुरुष का संग होना। संतों का सत्संग होने लगा। अब सत्संग करते करते संसार में मेरा मन था व्यास जी, लेकिन आज ठाकुर जी के सुंदर चितवन ने मेरे चित्त को चुरा लिया। जो मन संसार में लगा था अब ठाकुर श्री हरि मेरे गोविंद के श्री चरणों में लग गया। मां चाहती थी मैं विवाह करूं, बड़ा हो जाऊं, फिर मेरे पोता पोती हो, हर मां की इच्छा होती है। लेकिन सत्संग का प्रभाव देखिए व्यास जी, अब भजन में के अलावा संसार में मेरा मन ही नहीं लगता। प्रत्येक माता ही चाहती है बेटा जुआरी बन जाए, बेटा हमारा आवारा बन जाए, बेटा शराबी हो जाए, माताओं को कोई दुख नहीं, लेकिन साधु ना बन जाए, बड़ा कष्ट रहता। कहीं कथा में गया, कहीं सत्संग सुन लिया, कहीं प्रभु की कथा सुनकर कहीं साधु संन्यासी ना हो जाए, इसका बड़ा कष्ट रहता है।